हिमाचल प्रदेश में डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। सभी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में मरीजों को परेशानियां झेलनी पड़ रही है। रेजिडेंट डॉक्टर के बाद हिमाचल मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन हड़ताल पर कूद गई है और प्रदेश में इससे स्वास्थ्य सेवाएं ठप पड़ रही है। अस्पतालों में केवल आपातकालीन सेवाएं चल रही है। ओपीडी में डॉक्टरों के ना बैठने की वजह से मरीजों को बिना उपचार लौटना पड़ रहा है। शनिवार को अस्पतालों में बड़ी संख्या में ऐसे मरीज पहुंचे जिन्हें डॉक्टरों के स्ट्राइक की जानकारी तक नहीं थी। अब आप देख रहे हैं वो तमाम तस्वीरें जहां पर सीधे तौर पर देखा जा सकता है किस तरह से तमाम मेडिकल कर्मी हड़ताल पर उतर आए हैं। कुल्लू, बिलासपुर, शिमला, मंडी, पांवटा साहिब, देखिए असर जरूर पड़ रहा है मरीजों पर, ओपीडी पर, लेकिन मांगे देखिए क्या उठाई गई है। जिस तरह से कलकत्ता में रेप हुआ है, कुछ और घटनाएं भी इस तरह की सामने आई है कि मेडिकल कर्मियों के ऊपर अटैक हुए हैं, जाने तक गई है। ऐसे में मेडिकल कर्मी, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े, चाहे वो डॉक्टर हो, नर्स हो, वार्ड बॉय हो या अन्य स्टाफ हो, इनकी तरफ से इनकी सुरक्षा को लेकर एक कानून की मांग की जा रही है। अमूमन देखा यह जाता है कि अगर अस्पताल में किसी का देहांत हो जाए तब भी हंगामा किया जाता है बिना किसी जांच के। सारे के सारे डॉक्टर पूरे देश में आक्रोशित हैं और बहुत ही दुखी हैं इस विभत्स घटना को देखकर, जो हमारे एक कुलीग के साथ जो ब्रुटैलिटी हुई है, जो हीनियस क्राइम उसके साथ हुआ है। ये सिर्फ एक इत्तफाक या इट वाज नॉट ए मैटर ऑफ कोइंसिडेंस। ये जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उन इंस्टीट्यूशंस की जो फेलियर है टू प्रोवाइड द सेफ एनवायरनमेंट टू द वर्किंग डॉक्टर, वो जिम्मेवार है। ये सिर्फ आरजीकर हॉस्पिटल की बात नहीं है, देश में विभिन्न बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस में मुझे जाना हुआ, मैंने बहुत सारे जगह पे ये चीज़ देखा कि जो भी रेजिडेंट डॉक्टर ड्यूटी पे होता है उसके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं होती है।